जय शनि देव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता और शुक्र देवता की युति को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि आप बहुत सारे वहमों से निकल पाए, तो मेरी भी कोशिश ये रही कि आपको इन वहमों से निकाल कर इस विद्या की सही दिशा समझा पाऊँ और आप जान पाएं कि हर योग बुरा नहीं होता, हर योग अच्छा नहीं होता। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है और प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। और प्रिय दर्शकों, आप में से जिसका भी कोई एपिसोड रह जाए वो YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड भी देख सकता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे के सारे एपिसोड्स भी डेली वहाँ अपलोड कर दिए जाएँ ताकि आप उससे देख कर किसी भी वक्त लाभ ले सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी राहु और शुक्र की युति को डिफाइन करते हुए, कल तक हमने बात की थी सिंह लग्न की कुंडली की, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की ये इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर कन्या यानी विर्गो राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देव माने जाते हैं। बुध देव और शुक्र देवता में अति मित्रता है प्रिय दर्शकों। तो बुध देव ने शुक्राचार्य को क्या दिया? बुध देव ने शुक्राचार्य को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का माना जाता है, हमारे कंठ का भी माना जाता है दूसरा भाव। और शुक्रदेव को नवम भाव का मालिक बनाया, नवम भाव हमारे पिता का, नवम भाव हमारे धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का, नवम भाव हमारे भाग्य का भी माना जाता है। और ये भाव भी बुध देव ने शुक्राचार्य को दिया। तो मूल त्रिकोण में साधारण राशि शुक्र देवता की दी, तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने, जो कि दूसरे भाव के मालिक बने और नवम भाव के मालिक बने। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की। अगर राहु और शुक्र की युति लगन में ही पड़ी हुई और किसी ने कह दिया कि आपका तो राहु शुक्र इकट्ठा है, आप तो राहु की शांति करवा लीजिए, तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि यहाँ राहु सदैव पॉजिटिव फल देने वाला है और शुक्र नीचता में आने की वजह से सदैव अपनी दशांतरा में अशुभता के फल देने वाला है। तो यहाँ शांति पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन जो होगा वो शुक्राचार्य का होगा, ताकि वो नीचता के नेगेटिव रिजल्ट देना छोड़ दें। और आपको गलती ये कर दी कि राहु शुक्र की युति देखकर आपने राहु की शांति करवा दी, तो ये पूर्ण योग ही टोटल आपको नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। यहाँ राहु की शांति हो गई तो राहु अपने अच्छे प्रभाव छोड़ देगा, यहाँ शुक्र तो पहले ही नीच का बैठा है, वो सदैव अपनी दशांतरा में जितने प्रतिशत उसमें बल होगा उतने प्रतिशत ही नेगेटिव फल देने में वो बाध्य है। तो यहाँ स्थितियाँ बदल जाएंगी प्रिय दर्शकों, आप इस बात को समझ लीजिए। कुंडली टू कुंडली ये चीज़ वेरी करती है। अगर लगन में ही राहु शुक्र पड़े होंगे तो शुक्र नीच के होने की वजह से अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जिसकी शांति आपको पाठ पूजन सिमरन व्रत आदि करके करवानी होगी। और राहु सदैव जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु देवता अपने अति मित्र के घर में आए हैं और सदैव अच्छा फल देने में बाध्य हुए हैं। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, तुला राशि के दूसरे भाव में, ना तो कभी राहु देवता की दशांतरा आपको नेगेटिव फल देगी, ना ही कभी शुक्र की दशांतरा आपको नेगेटिव फल देगी। दोनों अपनी दशांतरा में बहुत बड़ा राजयोग देंगे। जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छा फल देने में शुक्र भी आपको बाध्य होंगे अपनी दशांतरा में, और राहु देवता भी अपने गुरु के घर में बैठे हैं वो भी बाध्य होंगे अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। और आपको यही युति किसी ने गलत डिफाइन कर दी कि राहु शुक्र इकट्ठा है शांति करवाइए, अगर दूसरे भाव में हो तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि किसी ग्रह को यहाँ शांत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। आप अपनी कुंडली रख करके वो पीरियड चेक कर सकते हैं, चाहे शुक्र की दशांतरा चले चाहे राहु की दशांतरा चले, दोनों ही आपको पॉजिटिव फल देती मिलेंगी। दर्शकों, अगर यही राहु शुक्र चौथे भाव में धनु राशि के पड़े हों, चौथे भाव में
चौथे भाव में अगर धनु राशि के पड़े होंगे तो राहु देवता नीच अवस्था के आगे और शुक्राचार्य त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में आ गए और चौथे भाव में शुक्र देवता को दिशा बल मिलता है। तो शुक्र की दशा अंतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल देगी। माता से लाभ, माता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड देता है जातक। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं लेने में सदैव शुक्र की दशांतरा बाध्य होती है, जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल। और राहु की दशांतरा अगर चौथे भाव में पड़ा होगा तो सदैव नुकसानदेह होगी। यहां अगर चौथे भाव में राहु शुक्र इकट्ठे पड़े होंगे तो सदैव आपको शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि राहु देव अपनी नीचता छोड़ दे और शुक्र देव आपको अपनी दशांतरा में और अच्छा फल देने में बाध्य हो। तो बात प्लेसमेंट की आ गई प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली वही है। अगर दूसरे भाव में पड़े हुए तो राहु शुक्र दोनों पॉजिटिव फल देंगे, अगर चौथे भाव में पड़े हुए तो शुक्र सदैव पॉजिटिव फल देंगे और राहु देवता की शांति करवा करके ही आपको उसके नीचता के अशुभता के रिजल्ट से बचना होगा। दर्शकों, अगर राहु शुक्र पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में और शनि देव की साधारण राशि में, अगर राहु देव पंचम भाव में पड़े होंगे और साथ में शुक्र भी पंचम भाव में पड़े होंगे तो दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। जब भी राहु की दशांतरा चलेगी, पंचम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन, संतान सुख से परिपूर्ण, मेंटल विल पावर को स्ट्रेंथ देकर के राहुदेव पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते रहेंगे। अगर शुक्र की दशांतरा चली और पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र राहु के साथ, तो शुक्राचार्य भी पूर्णतः पॉजिटिव फल देंगे। अनसर्टेन गेन, लव रोमांस में कामयाबी, बड़े भाई बहन की सपोर्ट, यहां तक की इच्छा पूर्ति करने में भी शुक्रदेव सदैव आपको सहायक सिद्ध होंगे। जातक का भाग्य उसका साथ देता है। जातक अपनी बुद्धि बल से जितना कार्य करता है वो शुक्र की दशांतरा में सदैव लाभान्वित होता है, अगर शुक्र और राहु पंचम भाव में पड़े हुए। और यहां पर भी आपने गलती ये कर दी कि दोनों की युति देखकर कह दिया कि राहु शुक्र इकट्ठे हैं, आप तो राहु की शांति करवा लीजिए। तो पंचम भाव में मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के अगर पड़े हों तो कभी ना तो शुक्र की शांति होगी, न ही कभी गलती से भी आप राहु देवता की शांति करवाइएगा, क्योंकि दोनों ग्रह बंध गए हैं अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। दर्शकों, अगर राहु शुक्र सप्तम भाव में पड़े हुए, भाग्य का मालिक त्रिकोण पिता का मालिक सप्तम भाव में आ गया, यहां राहु देव भी मीन राशि के आ गए, शुक्र यहां उच्च के होते हैं मीन राशि के सप्तम भाव में, शुक्र की दशांतरा में सदैव आपको लाभ मिलेगा, अपना भाग्य उठा करके अपनी पत्नी को दे दिया, पार्टनरशिप में लाभ, दाम्पत्य सुख में अच्छा, डेली वेजेस के नित्य नवे रस्ते, यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली पर्सनैलिटी की इंप्रूवमेंट के लिए भी शुक्र की दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती। लेकिन राहु की दशांतरा जब भी चलेगी तो सप्तम भाव संबंधी आपको पूर्णतः अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। सप्तम भाव संबंधी सदैव राहुदेव अशुभता के रिजल्ट देंगे, शुक्र को भी खराब करेंगे और यहां आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी ताकि शुक्र देव आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो। दर्शकों, अगर यही राहु शुक्र नवम भाव में पड़े हुए और आपको किसी ने बोल दिया जी नवम भाव में तो राहु देवता बर्बाद कर देता है ना, नवम भाव में राहु देवता नुकसान करता है, तो कभी ये बात पूर्ण शास्त्र संबंध नहीं होगी, क्योंकि नवम भाव में राहु देवता उच्च के हो गए हैं, जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतना ही वो पॉजिटिव फल अपनी दशांतरा में अवश्य देंगे और साथ में शुक्राचार्य भी आ गए हैं, भाग्य का मालिक भाग्य में आ गया है, तो जातक सदैव भाग्यवान माना जाता है, जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। जब भी राहु की दशांतर दशा चलती है शुक्र सदैव अच्छा फल देंगे, बिगड़े हुए बनते बनते काम और इम्प्रूवमेंट की ट्रैक में आएंगे, बिगड़ते बिगड़ते काम भी शुक्र की दशांतरा में बनने का रास्ता देंगे,
और यही राहु के साथ भी होगा कि बिगड़ते बिगड़ते काम भी बनाने का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि राहु भी उच्च का होकर के पॉजिटिव हो गया है और शुक्राचार्य भी उन साइन के भाग्य में आ गए। जितना दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट शत प्रतिशत आपको देंगे। अगर डिग्री वाइज वो 5% या 5 डिग्री के बैठे हैं तो 25% रिजल्ट कंफर्म समझिएगा कि पॉजिटिव आपको अवश्य मिलेंगे। 10% है, 15% है, 25, तो डिग्री वाइज आप स्वयं अपनी कुंडली देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि शुक्र अगर नवम भाव में पड़े हैं और राहु साथ में उच्च के वृष राशि के नवम भाव में पड़े हैं तो सदैव अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और आपने यहां गलती ये कर दी कि राहु तो जी नवम भाव में बर्बाद कर देता है, राहु तो नवम भाव में दिक्कत परेशानियां देता है, तो पूर्णतः शास्त्र सम्मत बात कभी नहीं होगी। दोनों ही ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और यहां राहु की शांति करवाने की भूल कभी मत कीजिएगा। आपकी राहु की शांति करवाई हुई राहु के सारे अच्छे रिजल्ट्स को खत्म कर देगी। यहाँ पर राहु देवता का पाठ जरूर कर सकते हैं, नमन जरूर कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, सुखना मांग सकते हैं ताकि राहु देव की दशांतरा और पॉजिटिव रिजल्ट दे। और शुक्र तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया है तो सदैव अच्छा फल देने में बाध्य ही होगा। दर्शकों बात करते हैं, अगर राहु देवता और शुक्राचार्य दशम भाव में पड़े हों, यहाँ भी राहु देव को उच्च का माना जाता है, मिथुन राशि में भी राहु देव उच्च के कंसिडर होते हैं और यहाँ त्रिकोण का स्वामी शुक्रदेव भी केंद्र में आ गया है अपने अति मित्र के घर में, ना तो कभी राहु की दशांतरा आपको नेगेटिव फल देगी ना ही कभी शुक्र की दशांतरा नेगेटिव फल देगी। और आपके दिमाग में बात सुन सुन कर ये गलतफहमी आ गई कि मेरे तो जी राहु शुक्र इकट्ठे होंगे तो मुझे तो ये दिक्कत देंगे, तो कभी नहीं देंगे। इस लग्न कुंडली में चाहे नवम भाव में पड़े हों चाहे दशम भाव में पड़े हों, ना कभी राहु की दशांतरा आपको अशुभता के फल देगी ना ही कभी शुक्र की दशांतरा आपको अशुभता के फल देगी। दोनों ही ग्रह जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सदैव आपको बाध्य होंगे। आप अपनी स्वयं कुंडली उठा करके देख सकते हैं कि दोनों ग्रह अगर इस भाव में बैठे हैं तो उसकी दशांतरा आपको कैसी निकल रही है, और पूरी सटीक प्रेडिक्शन के करीब आप पहुंचते चले जाएंगे अगर इसी तरह से कुंडली का विवेचन आप करते और समझते चले जाएंगे। दर्शकों राहु शुक्र अगर 11वें भाव में बैठे हुए, राहु देवता कर्क राशि के आगे, यहां पर राहु देव सदैव अपनी दशांतरा में अशुभता के फल देंगे क्योंकि वो चंद्रमा के घर चले गए, अंधेरे का ग्रह होकर के उजाले के घर चला गया, तो सदैव अपनी दिक्कत परेशानियों को साथ लेकर के चलेगा और जब भी उसकी दशांतरा चलेगी राहु देवता सदैव अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। लेकिन शुक्राचार्य अगर कर्क राशि के बैठे हुए तो अपनी दशांतरा में सदैव पॉजिटिव फल देंगे। यहां आपको राहु की शांति करवानी होगी और 11वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र आपको पूर्ण फिर अच्छे फल देने में और ज्यादा बाध्य होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि यह देखकर निर्णय मत कीजिएगा कि दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो सिर्फ आप राहु की शांति ही करवाइए, शुक्र देवता उसी से पीड़ित होंगे। बहुत सारे केसेस में आपको शुक्र की शांति भी करवानी होगी, जैसे इस लग्न कुंडली में लग्न में ही लगा लीजिए शुक्र का पाठ पूजन भी करवाना होगा ताकि वो अपनी नीचता छोड़ दे और राहु अपने अच्छे फल और इम्प्रूवमेंट में दे पाए। मेरे ये सब समझाने का मूल कारण ये है कि आप ये समझ पाएं कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन से दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट आपको लेने में उसे बाध्य करना। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय। We'll be right back.